1816 में कैमरा इन्वेंट हुआ था और 1890 में वाइल्ड लाइफ को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा ट्रैप्स। उससे पहले इंसानों को खुद ही जंगल में जाना पड़ता था और देखना पड़ता था कि वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को कवर करना बहुत ईजी हो गया। कैमरा ट्रैप्स इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि छुप कर रहने वाले एनिमल्स को भी रिकॉर्ड करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एनिमल्स इससे डरते जो नहीं है। कैमरा ट्रैप्स की ही वजह से इंसानों ने ऐसे एनिमल्स देखे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, और कई बार तो ऐसे एनिमल्स भी रिकॉर्ड हो जाते हैं जिनके बारे में सोचा जाता था कि ये नापैद हो चुके हैं। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ रेयर और एक्सटिंक्ट एनिमल्स को देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। ब्लैक टाइगर। आज इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तकरीबन 3000 से ज्यादा वाइल्ड टाइगर्स का घर आज इंडिया है। टाइगर्स अपनी स्किन के खूबसूरत कलर्स की वजह से भी बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि नॉर्मली ऑरेंज होती है और इस पे ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं। लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ये ब्लैक स्ट्राइप्स नॉर्मल टाइगर्स के कंपैरिजन में कुछ टाइगर्स की बहुत ही ज्यादा थिक हो जाती हैं। इतनी ज्यादा थिक के टाइगर कंप्लीट ब्लैक ही दिखने लग जाता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क में तकरीबन 38% टाइगर्स का कलर वेरिएशन ऐसा ही है। आपको ये नंबर काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सिमलीपाल नेशनल पार्क में टाइगर्स की गिनती सिर्फ 15 से 20 टाइगर्स के दरमियान है। इसका मतलब सिर्फ 7 से 8 टाइगर्स का कलर ऐसा है। 2022 में एक कैमरा ट्रैप में ये फुटेज रिकॉर्ड हुई जिसमें ये टाइगर एक दरख्त को स्क्रैच कर रहा है या शायद अपने इलाके पे निशान छोड़ रहा है। अब इस चीज की उम्मीद की जा रही है कि वहाँ इस कलर कॉम्बिनेशन के टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ सेम कलर के कुछ टाइगर कब्स भी देखे गए हैं। लॉन्ग बीक्ड एकिडना। इस एनिमल की हाल ही में रीडिस्कवरी हुई है। एकिडना को एक्सटिंक्ट हुए 60 साल हो चुके थे। एकिडनास बहुत यूनिक हैं अपनी लंबी नोज की वजह से, और ये उन मैमल्स में से हैं जो अंडे देते हैं। 1961 में एक एकिडना देखा गया था जो एक स्पेशल किस्म का एनिमल था जिसकी बॉडी पे स्पाइक्स थी, और ये इंडोनेशिया में देखा गया था। लेकिन उसके बाद एकिडना को लोग म्यूजियम में रखकर भूल चुके थे और कहा जाता था कि ये नापैद हो चुका है। पर 2007 में रिसर्चर्स ने वो जगह ढूंढ ली जहाँ एकिडनास रहा करते थे, जिसके बाद उन्हें थोड़ी उम्मीद मिली कि शायद कुछ एकिडनास अभी भी जिंदा हो। और फिर नवंबर 2023 में रिसर्चर्स ने साइक्लोप माउंटेन्स पर लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर 80 कैमरा ट्रैप्स लगाए, जिनमें से एक कैमरा की रिकॉर्डिंग में उनको दिखता है लॉन्ग बीक्ड एकिडना। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ये ऐसा ही था जैसे कोई एनिमल एक्सटेंशन से वापस आ गया हो। ज़ैंज़ीबार लेपर्ड। तंजानिया के करीब कुछ आइलैंड्स हैं जिन्हें ज़ैंज़ीबार कहा जाता है, और ये आइलैंड्स एक टाइम पे लेपर्ड्स की सब स्पीशी का घर हुआ करते थे, जो ज़ैंज़ीबार लेपर्ड्स के नाम से जाने जाते थे। उधर के लोग इन लेपर्ड से बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि यही सबसे बड़े कार्निवोरस एनिमल्स थे ज़ैंज़ीबार में। जैसे जैसे लोग इधर शिफ्ट होते गए, लेपर्ड्स का ज्यादा से ज्यादा शिकार होने लगा, जिसकी वजह से 1990 में बहुत ही कम लेपर्ड्स बचे थे, और 2001 तक लोगों ने मान लिया था कि यहाँ से सब लेपर्ड्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन फिर 2018 में एनिमल प्लेनेट का शो अलाइव और एक्सटिंक्ट के मेंबर्स ने दोबारा से इस लेपर्ड को ढूंढने की कोशिश की, और उन्होंने आइलैंड पे बहुत सारे कैमरा ट्रैप्स भी लगाए, जिनमें से एक पे उन्हें ज़ैंज़ीबार लेपर्ड गुजरता हुआ दिखा। लेकिन शो होस्ट ने इस लेपर्ड की एग्जैक्ट लोकेशन बताने से इनकार कर दिया, और वीडियो भी इतनी ज्यादा दूर से बनी थी कि साइंटिस्ट इसकी बॉडी पे स्पॉट्स पैटर्न को ज़ैंज़ीबार लेपर्ड के स्पॉट्स पैटर्न के साथ मैच नहीं कर पाए। इसी वजह से साइंटिस्ट ने कहा कि जब तक डीएनए एविडेंस नहीं दिए जाते, साइंटिस्ट इस फुटेज को ऑथेंटिक नहीं मान सकते। लेकिन ज़ैंज़ीबार लेपर्ड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। ब्लैक नेप्ड फेजेंट पिजन। 1870 में एक जमीन पे रहने वाला पिजन देखा गया वेस्टर्न न्यू गैनी में। बाद में रिसर्चर्स ने इस पिजन की 4 अलग टाइप्स भी डिस्कवर की। इन सब की नेक पे डिफरेंट कलर के स्पॉट्स थे, और फिर 1882 में फेर्गुसन आइलैंड पे इसे नाम दिया गया ब्लैक नेप फेजेंट पिजन। उसके बाद लोग इस पिजन की पिक्चर्स बस हाथ से ड्रा किया करते थे, क्योंकि अगले 140 साल तक ये पिजन दोबारा किसी ने नहीं देखा था। लेकिन फिर 2022 में कुछ रिसर्चर्स ने इस पिजन को दोबारा ढूंढने की कोशिश की और पूरे आइलैंड पे कैमरा ट्रैप्स लगाए, और कोई 1 या 2 महीने के बाद स्टीप माउंटेन्स पे लगाए गए एक कैमरा में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई।
और 140 साल के बाद ऑफिशियली ये पिजन दोबारा देखा गया। जब रिसर्चर्स ने इसकी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। एलिफेंट श्रू 2005 में एलिफेंट श्रू की ऑफिशियली 15 स्पीशीज बताई गई जो डॉक्यूमेंटेड थी। इसके अलावा पिछले 126 साल से एक भी न्यू स्पीशी नहीं देखी गई थी। और उसी साल कुछ इटालियन साइंटिस्ट उज़ुंगवा माउंटेन्स के जंगलात में रिसर्च कर रहे थे, जहां उन्हें बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिले, जैसे कि मंकीज, डव्स, रेप्टाइल्स। उन्होंने बहुत सारे कैमरा ट्रैप्स भी लगाए थे कि शायद कोई न्यू एनिमल दिख जाए। और जब उन्होंने ये फोटो देखी वो जान गए थे कि ये कुछ अलग है, जो दिखने में एलिफेंट श्रू की बाकी सब स्पीशीज से कुछ अलग ही था। लेकिन फिर 2006 में जब साइंटिस्ट ने फाइनली इसको पकड़ा तो वो सब हैरान थे कि ये एलिफेंट श्रू की अभी तक रिकॉर्ड की गई सबसे लार्जेस्ट स्पीशी थी। और फिर 2007 में इसकी एक कैमरा ट्रैप में ये वीडियो पहली बार रिकॉर्ड होती है। अब ये माना जाता है कि इस स्पीशी के कम से कम 15,000 से 24,000 मेंबर्स इस वक्त जंगलात में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन नाइट पैरट, ये पैरट ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ रात के वक्त ही देखा जाता था, क्योंकि ये दिखने में तो बाकी सब पैरट्स की ही तरह था लेकिन ये उड़ नहीं सकता था। 1912 के बाद ये पैरट दोबारा कभी नहीं देखा गया। और फिर अचानक से 2013 में फोटोग्राफर और इकोलॉजिस्ट जोंग यंग ने इस पैरट की फोटो क्लिक की और पूरे 100 साल के बाद दुनिया में इतना रेयर बर्ड दोबारा से देखा गया। जिसके बाद 2015 में कुछ रिसर्चर्स ने इस पैरट की कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड की। लेकिन फिर 2019 में एक एक्सपर्ट पैनल ने जॉन यंग पे कुछ एलिगेशंस लगाई और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी लीक की, जिसके बाद जॉन यंग के बारे में कहा जाने लगा कि इसने पास्ट में बहुत सारे एनिमल्स की फेक डिस्कवरीज की हैं और फेक घोंसले और अंडे बनाकर इस तरह से फोटो क्लिक्स की जाती थी ताकि डिस्कवरी रियल लगे। इसी वजह से बहुत सारे लोग इस रेयर बर्ड ऑस्ट्रेलियन नाइट पैरट की रीडिस्कवरी पर भी इतना यकीन नहीं करते जो जॉन यंग ने की थी। 1935 में मंकी की एक न्यू स्पीशी डिस्कवर की गई थी। ये स्पीशी मोस्टली ग्रे थी विद व्हाइट बेली, ब्राउन क्राउन, ब्लैक फेस और इसकी नोज और माउथ के पास व्हाइट मार्किंग थी। जब ये मंकी डिस्कवर हुआ था उस टाइम भी ये बहुत ही रेयर मंकी था, क्योंकि ये बस ईस्ट कैलिमंटान के एक ही पार्क में पाया जाता था। पिछले सालों में ये यकीन किया जाता था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है और बहुत बार ऐसा भी होता था कि फिर से रीडिस्कवर कर लिया जाता था। लेकिन साल 2000 में फिर से सोचा जाने लगा कि ये बिल्कुल नापैद हो चुका है। पर 2012 में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी की एक टीम ने एक नेशनल पार्क में बहुत सारे कैमरा ट्रैप्स लगाए ताकि इस पार्क में रहने वाले एनिमल्स को डॉक्यूमेंट किया जाए। और ये नेशनल पार्क उस जगह से 200 किलोमीटर दूर है जहां ये न्यू स्पीशी रहा करती थी। लेकिन रिसर्चर्स हैरान उस वक्त हुए जब कैमरा ट्रैप्स में इस मंकी की फोटोज कैप्चर हुई, जिसका वो सोचते थे कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। बहुत ही कम लोगों को इस स्पीशी के बारे में पता है। और 2019 में इस मंकी की फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड की गई, फिर से एनिमल प्लेनेट के उसी शो अलाइव और एक्सटिंक्ट के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अपने चैनल पे एनिमल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।